Subscribe to my channel. Press the bell icon for watching my new videos. Hello. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ चपाक मूवी के बारे में। आप सभी को पता ही होगा दीपिका पादुकोण की मूवी चपाक, लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन्स है और काफ़ी कमेंट्स भी मुझे देखने को मिलते हैं कि मूवी का बजट है 35 से 40 करोड़ के बीच में, और अगर मूवी इतना कलेक्शन करती है तो मूवी अपना बजट रिकवर कर जाएगी और हिट हो जाएगी। लेकिन मैं आपको पूरी अपडेट, मूवी के अपडेट के साथ साथ थोड़ा हिट कैसे होती है, सुपर हिट, इसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, जब भी कोई मूवी रिलीज़ होती है तो सैटेलाइट राइट्स बिकते हैं, डिजिटल राइट्स बिकते हैं, थिएटिकल राइट्स बिकते हैं। अब जो थिएटिकल राइट्स बिकते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी मूवी के थिएटिकल राइट्स 20 करोड़ के 30 करोड़ के बिके तो मूवी को, यानी कि थिएटर्स में, उससे ज़्यादा कलेक्शन करना पड़ेगा अगर मूवी को हिट होना है। या फिर बजट के हिसाब से अगर आप देखें तो मूवी का बजट जो है वो 35 से 40 करोड़ के बीच में, अभी एग्जैक्ट कितना है वो नहीं पता, लेकिन 35 से 40 करोड़ के बीच में इसमें का बजट है। यानी अगर मूवी को हिट होना है तो इस मूवी को 40 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये मूवी फ्लॉप हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सीधे फ्लॉप हो जाएगी। देखिए, अगर अभी मूवी का जो कलेक्शन है वो एवरेज तक भी नहीं है, अगर मूवी इंडिया में 36 से 37 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर लेती है तो फिर आप इसे कह सकते हैं कि बिलो एवरेज मूवी रह गई। अगर आप कहें कि ये प्रॉपर पूरी की पूरी 40 करोड़ पे ही पहुंची, उससे ज़्यादा नहीं हुआ, तो आप कह सकते हैं मूवी एवरेज रही, हिट नहीं हो पाई लेकिन एवरेज मूवी रही। अगर मूवी 42, 43 या 50 करोड़ के आसपास पहुंचती है तो फिर आप कह सकते हैं कि मूवी हिट हो चुकी है। अगर मूवी 70 से 80 करोड़ भी क्रॉस कर जाती है तो फिर सुपर हिट, अगर 100 करोड़ भी ये मूवी क्रॉस कर जाती है तो ब्लॉकबस्टर। तो मैं आपको बता दूं कि अभी मूवी के जो कलेक्शन है वो फ्लॉप के हैं, अभी मूवी का उतना अच्छा कलेक्शन नहीं चल रहा है। और मुझे लगता है जितने भी मेकर्स की वो स्ट्रैटर्जी थी कि वो कंट्रोवर्सी करेंगे, और जिस तरह से बाकी मूवीज़ को हाइप मिलती थी आज से 1 साल पहले 1.5 साल पहले कि कंट्रोवर्सी करके, जितने लोग उस मूवी को जानते भी नहीं थे, मूवी का नाम भी नहीं जानते थे, कंट्रोवर्सी करके उन लोगों को भी मूवी का नाम पता चलता है, वो मूवी देखना चाहते कि ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी क्या है, क्यों इतनी कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है कि मूवी इतना ज़्यादा लाइमलाइट में बनी हुई है। तो उसको देखते हुए आज से 1-1.5 साल पहले लोग बहुत तादाद में थिएटर में चले जाते थे, और ये एक ट्रिक थी ऑडियंस को थिएटर में लाने की मेकर्स के पास, कि आप एक ऐसी कंट्रोवर्सी करो कि मतलब लोगों के जवान पे, लोगों के मुंह पे वो नाम चढ़ जाए मूवी का, और लोग एक क्यूरियोसिटी हो जाए कि ऐसा क्या कंट्रोवर्सी है इस मूवी में, ताकि वो मूवी देखने के लिए आए। लेकिन अब ऑडियंस थोड़ी समझदार हो चुकी है, ऑडियंस थोड़ी एजुकेटेड हो चुकी है, अब बायकॉट मतलब बायकॉट है, यानी कि अगर लोगों ने कहा कि मूवी बायकॉट कर रहे हैं तो उनका मतलब है सीरियस बायकॉट, ना कि थिएटर में जाने वाला बायकॉट। तो मूवी चपाक को बहुत इसका इफ़ेक्ट देखने को मिला, हालांकि ऐसा नहीं है कि मूवी गंदी थी, काफ़ी रिव्यूज़ पॉजिटिव ही आए हैं मूवी के, आप कहें तो 70-80% रिव्यूज़ पॉजिटिव ही हैं, खासकर क्रिटिक्स से तो पॉजिटिव ही रिव्यूज़ है। लेकिन वो जो एक पॉइंट मेकर्स का गलत चला गया वो कंट्रोवर्सी करने के चक्कर में, वो इस मूवी को बहुत भारी पड़ गया। और ऊपर से क्योंकि दीपिका पादुकोण ही प्रोड्यूसर है, उनको ये सोचना चाहिए था कंट्रोवर्सी करने से पहले कि उन पे भारी पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि अब इंडिया की मूवीज़ ही नहीं है, अब लोग पूरे वर्ल्ड की मूवीज़ देखते हैं, मूवी हॉलीवुड की भी देखते हैं, वो कोरियन भी देखते हैं, वो सब जगह की मूवी देखते हैं। तो अब लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो कंट्रोवर्सी को देखने के लिए बैठें। अब इंडिया में सब तरह की मूवीज़ रिलीज़ होती है, अगर आपको कंपटीशन करना है मूवीज़ के साथ तो आपको एक स्मार्ट वे में और अपने कंटेंट के दम पे कंपटीशन करना पड़ेगा, ना कि प्रमोशन कंट्रोवर्सी के चक्कर में। वो इस मूवी को बड़ा भारी पड़ गया। और अभी मूवी का जो कलेक्शन है चपाक मूवी का, मूवी ने अपने 12th डे में 40 लाख के आसपास का कलेक्शन किया है। टोटल कलेक्शन मूवी का हो चुका है 33 करोड़ 23 लाख और वर्ल्ड वाइड में 49 करोड़ 30 लाख। अगर बात करूँ मूवी के 13th डे यानी आज के दिन की, तो आज के दिन की रिपोर्ट्स फिर से डाउन जाने वाली है, और कहीं ना कहीं अगर मूवी का 30 लाख के आसपास का कलेक्शन भी होता है, टोटल कलेक्शन हो जाएगा 33 करोड़ 53 लाख और वर्ल्ड वाइड में 49 करोड़ 70 लाख के आसपास। तो जैसा आप देख रहे होंगे कि अभी मूवी 35 करोड़ के आसपास पहुंचना भी इस मूवी के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है,
अब 35 तक नहीं पहुंची तो डेफिनेटली ये फ्लॉप ही रहेगी। 35 से 36 करोड़ तक, 37 करोड़ के आसपास पहुंचती है तो हो सकता है ये मूवी एवरेज के वर्डिक्ट में आ जाए। लेकिन अभी तक बिल्कुल भी अच्छे इस मूवी के कलेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या कहना है चपाक मूवी के बारे में, कमेंट बॉक्स में लिखें बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।